गो। राजा रहा, बकरे तीन चार बिटिया रही, हाँ एक सबसे बड़ी थी और एक छोटी, और दोनों का एक दो दो जुड़वा थे। तो जो अब राजा मतलब बूढ़े हो चुके थे, उनके पास बेटा नहीं था, तो वो सोचे थे कि अपनी ही बेटी को मतलब स्थान स्थापित करने देंगे। हाँ, राजपाल ही है, पर उनको ये जाना था कि कौन सबसे अच्छा मतलब मेरे का वो है, कौन बन रहा है सबसे अच्छा, मतलब कौन करेगा इसके लिए। तो उसके पास हाँ देखभाल कौन रखेगा सब जगह का। तो यम्मा में से उनने सोचा, बहुत सोच सोच के उनने एक दिन चारों बेटियों को बुलाया अपने पास। तो चारों बेटियों को बुलाया तो उन लोगों को एक बोरा गेहूँ दे दिया चारों बेटियों को। बोला, मैं तुमसे 5 साल बाद यही गेहूँ वापस मांगूंगा, 5 साल बाद यही गेहूँ वापस 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 तो ऐसा बोले। हाँ, तो हो गया। तो पहले ही दिन जो छोटी बेटी थी उसने उस गेहूँ को भुनवा कर खा लिया, और जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी उस मतलब वो खिड़की पर बैठ के मतलब सब गेहूँ को उसने नीचे फेंक दिया। और जो दो जुड़वा थी उसमें से एक थी उसने मतलब एक क्या बोलते डिब्बे के अंदर मवली में डाल के रख दिया। और तो बाद में जब 5 साल हो गया तब जब राजा बुलाए सबका बुलाए कि आओ अब तुम्हारा आ गया है वक्त देने का। तो अब वो बड़ी बेटी थी उसको तो डर लग रहा था, वो सोची मैंने तो फेंक दिया था गेहूँ अपने क्या करूँ। तो वो गई दुकान से जाके ले आई एक गेहूँ। तो बाद में जब राजा को दिया उसने तो बोली, क्या ये वही गेहूँ है ऐसा राजा ने पूछा। तो बड़ी वाली बेटी डर के बोली नहीं। तो जब दूसरी बेटी से पूछे तो जो डिब्बे में रखी थी उसको जाके पूछा, तो उसने उसके उस मतलब वो जो सड़ गया था पूरा चावल मतलब चावल पूरा सड़ गया था जब अच्छे से था ही नहीं। और चार चौथी बेटी से पूछा तो उसने बोला, मैंने तो उसको बहुत पहले ही भुना के खा लिया। और जब वो जुड़वा की दूसरे के बेटी का नाम आया तो बोले उसने राजा ने पूछा कि किधर है गेहूँ। तो उसने बोला, यहाँ पे नहीं है उधर है, चलो आप मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। तो जब उन लोग गए तो वहाँ पे देखा बहुत बड़ा खेत रहा। अब वही खेतों में जाए देखा जाए तो पूरे गेहूँ के मतलब सब सब हैं। तो राज वो जब थी वो बेटी वो जाती बोलती है, ये लो आपकी गेहूँ। तो तभी राजा को पता चल गया कि यही एक सही सही ढंग से ही रात चलाई बस। ये तो ना रहा कहानी। अच्छा, अब हम कहीं कहो।